नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं रीड से। पहले आज एक बड़ी घटना जयपुर की, चलेंगे खबर की ओर। इस खबर से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप ये देख सकते हो, आपकी हर मांग को हमारा चैनल लगातार उठाता है। और ये रीड से पहले खुला भर्ती में बड़ा खेल, कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं, पेपर खाली छोड़ देना, मैं सब देख लूँगा। आज की डेट में ये बड़ी खबर आई है, ये आप देख सकते हो कि ये देख सकते हो, जयपुर सरकारी भर्तियों में अपना नाम देखने के लिए बेरोजगार जी जान से लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से प्रतियोगियों का सामना सच नहीं हो पाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ठग बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाते हैं और रुपये के बदले बिना परीक्षा दिए ही भर्ती कराने का झांसा देते हैं। ऐसा ही एक बड़ा मामला कालवाड़ थाना क्षेत्र में सामने आया है। पहले तो पीड़ित को ठगों ने लूटा, उसके बाद पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, केस तक दर्ज नहीं किया गया। बाद में जब जानलेवा हमले की नौबत आ गई तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब ठगी समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर मामला दर्ज हुआ है। बेटे की जिद पर ब्याज पर रुपए लिए थे पिता ने, अब हालत खराब। दरअसल कालवाड़ क्षेत्र में रहने वाले गजानंद ने बाबूलाल और शिवा नाम के दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पूरा घटनाक्रम साल 2019 में फरवरी महीने का है। गजानंद जो कि कृषि प्रवेश भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसकी मुलाकात बाबूलाल से हुई। बाबूलाल ने उसे बताया कि वह कुछ नेताओं अफसरों को जानता है, सीधी भर्ती करा सकता है, इसके लिए कुछ रुपये लगते हैं। गजानंद ने इस बारे में अपने पिता से बात की और परीक्षा से कुछ दिन पहले अपने पिता के साथ गजानंद बाबूलाल के घर गया। वहां पर दीवार पर बड़े बड़े राजनेताओं के साथ बाबूलाल की फ़ोटो लगी हुई थी। साथ ही शिवा ने भी बाबूलाल के बारे में बढ़ चढ़ कर बताया। गजानंद अब पूरी तरह से बाबूलाल और शिवा की बातों में आ गया। बाबूलाल ने गजानंद को बताया कि परीक्षा से पहले 4 लाख रुपये देने होंगे, उसके बाद कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे पेपर दे आना और बता देना, नंबर अपने आप आ जाएगा। बाबूलाल के कहने में गजानंद ने अपने पिता से रुपये मांगे तो पिता ने ब्याज पर रुपये लाकर बेटे को दे दिए, लेकिन फिर परीक्षा भी हो गई और नंबर भी नहीं आया। गजानंद ने रुपये वापस मांगे तो उसे मारने की धमकियाँ दी जाने लगी, न तो DCP और नई कालवाड़ पुलिस ने सुनवाई की, मुकदमा दर्ज कराने किया तो भगा दिया। इस बीच गजानंद पर जानलेवा हमला भी कराया गया। आखिर कोर्ट की दखल के बाद अब कालवाड़ पुलिस ने ठगी समेत 5 धाराओं में बाबूलाल और शिवा के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो दोस्तों, रीट परीक्षा से पहले कहीं ऐसे गिरोह सक्रिय होंगे तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपनी तैयारी करनी है, किसी प्रकार के विवादों में नहीं आना है, न किसी प्रकार की आप परेशानी झेलनी है। गुरु कृपा कंपटीशन चैनल लगातार बेरोजगारों के साथ है। इसी के साथ ये वीडियो आप और देखकर, इसके साथ सरकार को बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। चलिए वीडियो देखते हैं। प्रदेश के सभी युवाओं से मेरी अपील है कि इस अभियान में जुड़े और इस अभियान को सफल बनाए। पिछले कई सालों से पेपर लीक प्रकरण, फर्जी डिग्रियों का खेल, नकल प्रकरण और सेंटर पर गड़बड़ियों का मामला सामने आ रहे हैं, वही इंटरव्यू में अंकों का विवाद। ऐसे में बेरोजगार अवसाद की स्थिति में है और भर्तियों पर सवाल उठ रहे हैं और भर्तियों के प्रति बेरोजगारों का अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। तो साथियों, इसके लिए कानून बनाने के लिए हम मांग कर रहे हैं कि पेपर देने वाला, पेपर लेने वाला, नकल करने वाला, नकल कराने वाला, डिग्री लेने वाला, डिग्री देने वाला और इससे तमाम जो लिप्त कर्मचारी अधिकारी, उनके खिलाफ एक कानून बना जाए, कम से कम 10 साल तक उसको जेल में डाला जाए और उनकी तमाम संपत्ति को कुर्क किया जाए, जब्त किया जाए। साथियों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 का जो मामला सामने आया था, जेल ब्रेरी 2016 का आया था, लाइब्रेरियन भर्ती 2018 का आया था, वही सलाह RS भर्ती 2013 का मामला आया था और जैन भर्ती 2021 डिग्री का मामला सामने आया था। आपने सुना होगा लाइब्रेरियन भर्ती में संदीप नेहरा मुख्य आरोपी था, जो पुलिस के प्रेस नोट में था कि मदर्स कोचिंग से जुड़े हुए संदीप नेहरा शिव भगवान, उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई और जमानत भी हो चुकी है। आज तक किसी के सामने मामला सामने आया, किसी को पता नहीं वो कब गिरफ्तार हुआ, कब उनकी जमानतें हुई, यानी कि उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया है भर्तियों का, बेरोजगारों के भविष्यों के साथ खेलने का काम करता है। ऐसे साथियों, इसमें कानून बनना बड़ा आवश्यक है, इसलिए 10 सितंबर को विधानसभा के बाहर हम इकट्ठे हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को आना है, लंबित भर्तियों के साथ, नई भर्तियां निकलने के साथ ये कानून को लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। सभी साथियों से निवेदन है, अपने भविष्य के लिए घर से निकले, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, इसमें कानून बनाए और प्रदेश के लाखों बेरोजगारों का भविष्य बचाए। जय हिंद, जय भारत।